मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं, इनफैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से ऑर्गेनिकली अपनी YouTube वीडियोस के व्यूज बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको दो टूल्स भी बताने वाला हूं जो आप फ्री में यूज कर सकते हैं, एंड आप अपनी वीडियोस की रैंकिंग भी बढ़ाएंगे, उन पे व्यूज भी बढ़ाएंगे, और आपको ये भी समझ आएगा, हो सकता है आप इनफैक्ट अभी अगर YouTube पे कुछ वीडियोस पब्लिश कर रहे हो उनमें कुछ गलतियां कर रहे हो, वो गलतियां आप आज से ना करो। तो किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अपनी वीडियो पे व्यूज बढ़ाने वाले हैं अभी मैं जैसे आपको दिखाने वाला हूं, बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको 3 T's पर काम करना है। ये 3 T's कौन से हैं अभी पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली देखेंगे कि वीडियो को कैसे अपलोड करना होता है, कैसे एसईओ बढ़ाना होता है। सो ये 3 T's क्या है? नंबर 1, आपकी वीडियो का टाइटल क्या है। ये टाइटल के अंदर कीवर्ड्स होने चाहिए जो लोग सर्च करते हैं। अगर आप कोई ऐसी वीडियो बना रहे हैं जिस पर लोग सर्च करेंगे उसे, तो उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए। अदरवाइज आपका टाइटल अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर आपका टाइटल अट्रैक्टिव है तो उस पर व्यूज आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सेकंड, वीडियो के टैग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि आपको टैग्स क्या डालने होते हैं। कई सारे लोग टैग्स डालते ही नहीं है, फिर व्यूज कम आते हैं, फिर उन्हें लगता है कि यार शायद यूट्यूब पे पता नहीं किस तरीके से हम ग्रो करेंगे, आप कुछ वीडियोस देखते भी हैं, बट दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको ये समझना है कि टैग्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर अ बेटर एसईओ ऑफ द वीडियो, और रैंकिंग भी टैग्स ही इंप्रूव करेंगे। एंड थर्ड होता है आपका थंबनेल। सो थंबनेल शुड बी सिंपल एंड अट्रैक्टिव, और वो आप कैसे कर सकते हैं, देयर आर सम फ्री टूल्स आल्सो, जैसे आप canva.com पर जाके आपको बहुत सारे लेआउट्स मिल जाएंगे। बिगिनिंग के लिए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप canva जैसी वेबसाइट्स का यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप चाहे तो प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर्स को भी हायर कर सकते हैं, जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा। स्टार्टिंग में आप खुद कर रहे हैं तो मैंने आपको canva.com सजेस्ट कर दिया, बट अब जिस चीज के लिए आप इस वीडियो पर आए हैं, अब हम उसे शुरू करेंगे, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की किस तरीके से वीडियो अपलोड करनी होती है। और जैसे मैंने बोला, मैं आपको टूल्स के बारे में बताऊं करनी होती है, और जैसे मैंने बोला मैं आपको टूल्स के बारे में बताऊंगा। सो हियर वी गो। सो लेट मी शो यू कि हम किस तरीके से वीडियो को अपलोड करेंगे जिससे वीडियो का एसईओ मैक्सिमाइज हो पाए। सो देखिए, आप सिंपली यहां पे क्रिएट पे क्लिक करके अपलोड वीडियो पे क्लिक करते हैं। इसके बाद व्हाट इज गोना हैपन नेक्स्ट कि आपको यहां पर दिखेगा यू कैन सेलेक्ट अ फाइल। तो मैं यहां पे फाइल सेलेक्ट करता हूं, यहां पर देखिए डिविडेंड्स लिखा हुआ है। अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, बट लेट मी टेल यू, आपका जो फाइल का नेम है आप एग्जैक्टली वो रखिए जो आप टाइटल रखना चाह रहे हैं। अगर मैं इस वीडियो को एग्जांपल के लिए जो टाइटल रखना चाह रहा हूँ, दैट इज हाउ टू अर्न पैसिव इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट ओवर ऑफ डिविडेंड्स, एग्जांपल के लिए भी ये है। ये आप चाहें तो बाद में चेंज कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैंने ये अपलोड कर दिया। अब इससे होता क्या है, आपने जो अभी इसका फाइल का नेम चेंज किया है, ये भी एक तरीके से मेटा टैग ही है वीडियो के लिए। आपने वीडियो में एक मेटा टैग यूज़ किया, इससे होगा क्या कि वीडियो की एसईओ बूस्ट होती है क्योंकि आपका टाइटल भी सेम है। अब यहाँ पर जो टाइटल आ रहा है, इस टाइटल के लिए अब मुझे नीचे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे टैग्स। अगर मुझे टैग्स देखेंगे यहाँ पर, तो आप देखिए टैग्स दिख रहे हैं, ये कुछ बेसिक टैग्स हैं जो मैंने डिफ़ॉल्ट पर लगा रखे हैं, इन्हें मैं हटा दूंगा यहाँ से। इन टैग्स को हटाने के बाद हम एक वेबसाइट यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ रैपिड टैग्स। जब मैं रैपिड टैग्स पर जाऊँगा, ये फ्री है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, जो मेरा यहाँ पर टाइटल था, अब देखिए जैसे मैंने टैग्स हटाए यहाँ पर एसईओ कम हो गया। ये मुझे एक यहाँ पर क्रोम की एक्सटेंशन मैंने यूज़ करी हुई है vidIQ, मैं आपको दिखाऊंगा ये आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो अभी के लिए मुझे क्या करना है, जो मेरा टाइटल है इसे मैं कॉपी कर लूँगा, मैं रैपिड टैग्स पर जाऊँगा, मैं टाइटल को पेस्ट कर दूँगा। जैसे ही मैंने टाइटल को पेस्ट किया, व्हाट इज़ गोना हैपन, ये मुझे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टैग्स दे देगा। अगर मैं ये टैग्स यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इन्हें कॉपी कर सकता हूँ। कुछ टैग्स हैं जो मैं हटाना चाहता हूँ, वो मैं हटा भी सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मुझे कोई भी यहाँ पर अगर पसंद नहीं आ रहा टैग, या मुझे लग रहा है इसकी जगह हम कुछ और डालेंगे, तो मैंने इसे यहाँ से रिमूव कर दिया और उसके बाद कॉपी कर लिया। तो अब तकरीबन आपके पास यहाँ पर अगर आप देखते हैं टैग्स में, सो लेट मी शो यू एग्जैक्टली, जब आप टैग्स में रहेंगे आपके पास 500 वर्ड्स की लिमिट,
मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, एक हमने टैग हटाया था तो हमारे पास स्टिल कुछ लिमिट लेफ्ट है। तो अब इससे क्या हुआ, देखिए यहाँ पर एक्शनेबल SEO सीधा 50 आउट ऑफ 50 हो गया। अगर मेरा SEO यहाँ पर 50 दिखा रहा है, दिस मीन्स कि इसकी SEO रैंकिंग अच्छी हो गई है। अगर लोग इस टॉपिक को सर्च करेंगे तो मेरी वीडियो टॉप पर दिखेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर आप चाहें तो कुछ और भी टैग्स यहाँ पर डाल सकते हैं। एग्जाम्पल जो टाइटल में वर्ड्स हैं वो होने ज़रूरी। एग्जाम्पल अर्न इज़ देयर, इनकम इज़ देयर। अगर यहाँ पर स्टॉक मार्केट ऑलरेडी आई थिंक यूज हुआ हो गया होगा, स्टॉक मार्केट हो गया, सो शेयर मार्केट नहीं हुआ, हम शेयर मार्केट डाल देते हैं। ओके तो हमने ये कुछ टैग्स अगर ऐड करने हैं तो हम यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर डिविडेंड्स ऑलरेडी आ गया है, मैं सिंपल एक डिविडेंड और डाल देता हूँ। यहाँ पर मुझे टैग्स रिकमेंड भी किए जाएंगे, नीचे ऐसे यहाँ पे रिकमेंडेशन भी आता है। सो दिस इज़ अ फ्री टूल, अगर आप चाहें तो इसका विडाई क्यू का पेड वर्जन ले सकते हैं, बट मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लगती इसलिए मैंने पेड नहीं लिया हुआ। सो आई बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब जिस चीज़ में आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं आप क्यों कर रहे हो, ये फ्री में यूज़ हो रहा है। सो फ्री में जब आपको SEO मिल रहा है तो नथिंग टू चेंज। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप ये बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने डिस्क्रिप्शन डाल रखा है सेटिंग्स में जाके, वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी डाल देते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है, कभी कभी आपको यहाँ पर SEO स्कोर बढ़ेगा नहीं, इसे बढ़ाने का एक हैक बता रहा हूँ। आपकी जो डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन है ये एग्जैक्टली आपके टाइटल को एलैबोरेट करनी चाहिए, और जो टाइटल के अंदर कीवर्ड्स यूज हैं जैसे कि अर्न, पैसिव इनकम, स्टॉक मार्केट, डिविडेंड्स, तो ये आपके टाइटल यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन पर होनी चाहिए। जो टाइटल के कीवर्ड्स हैं वो डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन में होना ज़रूरी है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा लर्न हाउ टू अर्न पैसिव इनकम बाय डिविडेंड्स बाय इन्वेस्टिंग इन राइट स्टॉक्स। ओके ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद भी अगर मैं कोई हैशटैग यूज करना चाहता हूँ, एग्जांपल मैं शेयर मार्केट डाल देता हूँ, तो जब मेरी वीडियो रैंक होगी, जब भी वीडियो पब्लिश होगी उसके बाद वहाँ पर ये जो कीवर्ड है ये हाईलाइट होगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए मुझे पैसिव इनकम को हाईलाइट करना है तो मैं इसके आगे भी हैशटैग लगा दूँ। सो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं, मैंने डिविडेंड्स पे भी लगाना है। तो अब मेरे तीन टैग्स हो गए, तीन जो थ्री है ये मैक्सिमम लिमिट है, तो तीन से ज़्यादा आप हैशटैग यूज़ नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर पैसिव इनकम आ गया है, डिविडेंड्स आ गया है, शेयर मार्केट आ गया है। अब चाहें तो आप टाइटल के अंदर भी हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से, मैंने डिविडेंड्स के आगे हैशटैग लगा दिया तो ये हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे ये जो हमने किया है SEO बूस्ट करने के लिए, इसके बाद एक और मैं आपको हैक देता हूँ। अब ये मेरा फाइनल टाइटल है, मैं इसे कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं अपलोड थंबनेल पे जाता हूँ। थंबनेल का जो भी यहाँ पर टेक्स्ट है हम इसे चेंज कर देंगे, हमने ये चेंज कर दिया। अगेन ये आपकी SEO को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, क्योंकि जब लोग गूगल पर सर्च करेंगे तो इमेज इस ये जो थंबनेल है इसके टेक्स्ट की जाएगी, क्योंकि आपने ये जो टाइटल दिया है, ये जो कीवर्ड्स हैं, ये गूगल पर भी आप इमेज रैंकिंग में हेल्प करेंगे। क्योंकि इमेज रैंकिंग में हेल्प करेंगे, लोग वहाँ पे क्लिक करके आपकी वीडियो पे रीडायरेक्ट होंगे, आपके वीडियो पे व्यूज़ बढ़ेंगे। सो ये कुछ हैक्स हैं। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर जो भी प्लेलिस्ट के हिसाब से वीडियो जा रही है, वी हैव मल्टीपल प्लेलिस्ट, सो मैं यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो को ऐड कर देता हूँ। सो कोई प्लेलिस्ट को पूरा देखेगा तो वहाँ से भी व्यूज़ ऑटोमेटिकली बढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पर चेकिंग में थोड़ा सा टाइम दिखा रहा है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमने अपनी वीडियो को यहाँ पर रेडी कर लिया, हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मोनेटाइजेशन आप ऑन कर देंगे। मोनेटाइजेशन ऑन करने के बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड सूटेबिलिटी का ऑप्शन आएगा, नन ऑफ द अबव करके सबमिट रेटिंग कर दीजिए। ये स्टेप बहुत असेंशियल है। इसके बाद आप कुछ वीडियो एलिमेंट्स डाल सकते हैं, मतलब आप चाहें तो कोई प्लेलिस्ट एंड में लगा सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। एक सब्सक्राइब बटन के साथ मैं एक वीडियो ले लेता हूँ, और यहाँ पर मोस्ट रीसेंट वीडियो को हम ले लेंगे, और थोड़ा सा लोगों को इशू ना आए तो लास्ट में बिल्कुल आना चाहिए, सब्सक्राइब बटन थोड़ा पहले आ सकता है। हमने सेव कर दिया, अब ये करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कार्ड करके भी अपने चाहे कुछ प्लेलिस्ट लगा सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक यहाँ पे शेयर मार्केट की फ्री प्लेलिस्ट लगा देते हैं, एक हम
फाइनेंशियल एजुकेशन पे लगा देते हैं। इनफैक्ट अगर मैंने कोई प्लेलिस्ट के बारे में बोला हुआ कि आई बटन पे लिंक है तो हम उस टाइमिंग अकॉर्डिंग लगाएंगे। उसके बाद मैं इसे सेव कर दूंगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है आपका कि आप चेक यहाँ पर हो गए हैं, कोई इशू नहीं आया, कोई कॉपीराइट नहीं है, आप आगे बढ़ेंगे। मैं वीडियोस को जनरली शेड्यूल करता हूँ विद प्रीमियर, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। प्रीमियर करने से क्या होता है, लोगों को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। सो अभी एग्जांपल के लिए मैं वीडियो को 11 बजे पब्लिश करना चाहता हूँ, तो 11 AM एंड सेट इज अ प्रीमियर आप कर देंगे। अगर आप प्रीमियर नहीं करेंगे तो डायरेक्टली वीडियो जाएगी, प्रीमियर करेंगे तो लोगों को अभी देखना शुरू होगा, कुछ लोग थोड़ा सा पहले आ सकते हैं और उसके बाद जाके इस वीडियो को देखेंगे। इसके बाद हमने सिंपली शेड्यूल पे क्लिक कर दिया एंड सेट बैक एंड रिलैक्स। You are done. This is the way you upload the video with the help of VidIQ and RapidX, और इससे आपका SEO भी बढ़ेगा। In fact, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो ये प्रीमियर का ऑप्शन है, ये नए लोगों को स्टार्टिंग में नहीं मिलता। So not to worry, जब आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी तब आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अभी क्या है कि हमने सारे ऑप्शन ट्राई करे हुए, हमने डायरेक्टली वीडियो को पब्लिश किया, शेड्यूल किया, प्रीमियर किया है, तो शेड्यूल करना बहुत सही रहता है। आप चाहें तो प्रीमियर कर सकते हैं जब आपके पास ऑडियंस साइज बढ़ा हो। तो आई होप आपको आज काफी कुछ समझ आया होगा कि आप किस तरीके से वीडियोस को YouTube पे पब्लिश करते हैं जिनसे उनका SEO भी बढ़ता है।